बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अपने मोहतरम व्यूअर्स को एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया शुरू से पागल कहती थी, और आप जब जब उसके बारे में सुनेंगे तो आपको भी यकीन होने लगेगा कि वाकई वो एक पागल है। मसलन सबसे पहले उसने दावा किया था कि वो दुनिया को पेट्रोल और डीजल की गुलामी से आज़ाद करेगा और पेट्रोल और डीजल के बगैर वो गाड़ियां चलाएगा। उसके बाद उसने दूसरा दावा किया कि वो इंसानी तारीख में पहली दफ़ा मरीख पर एक इंसानी बस्ती बसाएगा, और 2020 में जब पूरी दुनिया छोटे से छोटा दुकानदार और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन वो रो रहा था कोरोना की वजह से, तो 2020 में सिर्फ उसने 110 अरब डॉलर्स कमाए थे। जी, मेरा मकसद और मैं आपको तारफ करा रहा हूँ वन एंड ओनली इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क ने अपनी जिद्दोजहद किस तरह की, वो इस मकाम पर कैसे पहुंचा, ये आज अपनी यूथ को और अपने मोहतरम नाजरीन को लाजमी बताना है, क्योंकि ये इंतहाई दिलचस्प सफ़र है जो मस्क ने तय किया। और ख़ासकर जो मेरा पैगाम है वो अपनी नौजवान नस्ल के लिए है। उम्मीद है कि आप उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। मैं चूंकि इनको खंगालता हूं, इनकी चीज़ें निकालता हूं और आपके सामने पेश करता हूं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ख़ासकर जो हमारी यूथ है जो काम से जी चुराती है या पढ़ाई से जी चुराती है, उनके लिए जिस तरह मैंने कहा कि 2020 में इलॉन मस्क ने 110 अरब डॉलर्स कमाए, लगाए नहीं कमाए। और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि 1 मार्च को पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के कोल रिजर्व्स वो 8 अरब थे, एक एटमी ताकत, 1.7 लाख फौज रखने वाला मुल्क, 25 करोड़ आबादी रखने वाला मुल्क, उसके जो रिजर्व्स थे वो 8 अरब थे। और 2020 में इलॉन मस्क ने 110 अरब डॉलर्स कमाए। तो आज मैं मस्क के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी जो है ना वो दिलचस्प और अजीबोगरीब हरकत सकनात, इसने किस तरह ये मकाम हासिल किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रोज़ आपकी खिदमत में ऐसी वीडियो जो है वो पेश करता रहता हूँ। अब हम आते हैं आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है, और वो पर्सनैलिटी है इलॉन मस्क की। 8 जून 1971 में साउथ अफ्रीका में इलॉन मस्क पैदा हुए। जिस्मानी तौर पर इलॉन मस्क जब पैदा हुए तो गैर मामूली तौर पर कमज़ोर थे, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि वो जो आम हेल्दी बच्चे थे भागने दौड़ने वाले, वो इलॉन मस्क को अपने करीब नहीं आने देते थे और उसके साथ नहीं खेलते थे। बजाय किसी जो है वो नफ्सियाती मर्ज की तरफ जाने के बजाय जो मस्क था उसने गहरा दोस्त बना लिया किताबों को। अब किताबें उसकी जो है वो गहरी दोस्त थी, और एक जायजे के मुताबिक 9 साल की उम्र तक इलॉन मस्क के पास इतना इल्म था जितना कि एक उस वक्त के ग्रेजुएट के पास होता है। ये नई नस्ल के लिए पैगाम है 9 साल की उम्र में। उसके बाद इलॉन मस्क कंप्यूटर से पहले दिन से, यानी आप तो जितनी आपको सहूलतें हैं उस वक्त तो इतनी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लगाओ और हर वक्त कंप्यूटर में लगा रहना, लेकिन पॉजिटिव लगा रहना कि ये है क्या, ये चीज़ क्या है। और उसने
प्रोग्रामिंग जिसके सीखने के लिए लोग इतना अरसा लगाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, चंद दिनों में इलोन मस्क ने जो है वो प्रोग्रामिंग सीख ली। न सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखी बल्कि क्या किया उसने जी, 12 साल की उम्र में उसने ब्लास्टर नाम की वीडियो गेम बना डाली 12 साल की उम्र में। और उस वीडियो को देखते हुए जब वीडियो इधर उधर खेली जाने लगी तो पहला सौदा जिंदगी का इलोन मस्क ने किया और वो गेम मस्क ने बेची जी $500 में। ये उसकी जिंदगी का पहला सौदा था जब उसने ब्लास्टर को, ये वीडियो गेम थी, $500 में बेच दिया। उसके बाद जो इलोन मस्क के वालिद थे वो, उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था, और जो इलोन मस्क की वालदा थी मे मस्क, जो कि अपने दौर में मॉडल थी, उनका ताल्लुक कनाडा से था। यूनिवर्सिटी के लिए इलोन मस्क ने फैसला किया कि वो अमेरिका जाएगा। 1992 में जो इलोन मस्क हैं वो अमेरिका पहुंचे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने दाखिला लिया और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन की। अपने आइंस्टाइन वाले वीलॉग में बता चुका हूं कि दुनिया में जो अमेरिका है वो जौहरी है, वो पहचान लेता है कि किस में कितना करंट है। और अब इलोन मस्क अमेरिका पहुंच चुके थे। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई इस्लामी दुनिया नहीं है जहां आपका चाचा मामा वो थानेदार होना चाहिए या आपका कोई रिश्तेदार सियासतदान होना चाहिए तब आपको वो पोलियो के कतरे पिलाने वाली नौकरी मिलेगी या मुर्गियों को टीके लगाने वाली नौकरी मिलेगी। नहीं, अमरीकी जो है वो जौहरी हैं। बाकी सारी बातें अपनी जगह, जो कुछ आपके अंदर होगा आप वहाँ पर कैश करेंगे और आप वहाँ पर अपना कैरियर बनाएंगे। 1995 में पीएचडी में एडमिशन लिया। अब ये देखें, ये भी नौजवान नस्ल के लिए है। और सिर्फ दो दिन बाद इलोन मस्क ने पीएचडी की डिग्री छोड़ने का ऐलान कर दिया। और ऐलान क्यों किया, उन्होंने ऐलान ये किया कि डिग्री की कोई अहमियत नहीं है, काम की अहमियत बहुत ज्यादा है, मैं बजाय डिग्री पे टाइम जाया करने के अब हाथ से काम करूंगा। उसके बाद क्या हुआ जी, 1995 में यानी अमेरिका आने के बाद अपने छोटे भाई कैम्बल के साथ मिलकर जिप टू के नाम से इंटरनेट कंपनी बनाई, जिप टू। और इसका काम क्या था, सिर्फ जिप टू में लोगों के एड्रेसेस थे, यानी आप मेरा एड्रेस लिखते एड्रेस आ जाता किसी का भी। और उस वक्त ये याद रखें, उस वक्त गूगल नाम की किसी चीज का कोई वजूद नहीं था और ये जिप टू ये लोगों के लिए बड़ी कारामत साबित हुई। फिर इस जिप टू के साथ क्या हुआ जी, जिप टू एक एड्रेस डिक्शनरी थी और आप किसी का भी पता उस पर जो है वो खर्च कर सकते थे। जिप टू पे इतना ज्यादा वो जो जमा पूंजी थी यानी इलोन मस्क के पास, वो उसने लगा दी कि अब जो है ना इलोन मस्क के पास घर था, इलोन मस्क अपने ऑफिस में फर्श पर सोता था, इलोन मस्क जिम के शावर में नहाता था। और फिर क्या हुआ, 4 साल बाद कॉम्पैक, बड़ी मशहूर जो है ना कंप्यूटर की कंपनी कॉम्पैक कंपनी ने $20 मिलियन में जो है वो इस जिप टू को खरीद लिया। कितने में जी, ये खरीदा $20 मिलियन में, जो पाकिस्तानी बनते हैं 350 करोड़ रुपए। ये इलोन मस्क की वो जिंदगी का दूसरा सौदा था, पहला $500 का और अब कितने का जी, अब था वो 22 मिलियन का, जो इसने जिप टू एड्रेस डिक्शनरी बनाई थी अपने छोटी भाई के साथ मिलकर। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये होता है कि उसने कमाए 22 मिलियन, 22 मिलियन में से $1 मिलियन $10 लाख की उसने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी और वो स्पोर्ट्स कार देखने वाली थी। लेकिन कुछ अरसे ही गुजरा था कि
ओवर स्पीड की वजह से इलोन मस्क से वो गाड़ी तबाह हो गई और इलोन मस्क जो है वो बाल बाल बचे। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई और इलोन मस्क पे आया हो गई कि उसे तेज रफ्तार कारों का बहुत शौक है और आगे चलकर ये शौक किस चीज में बदला वो आप आगे देखेंगे। फिर क्या हुआ जी, 1999 में $10 मिलियन लगाकर एक्सकॉम का आगाज किया और ये बाद में मशहूर और मारूफ पेपैल बना। ये क्या था, ये दुनिया में पहली दफा ऑनलाइन अदायगी थी, यानी ये इलोन मस्क ने जो है वो बनाया ये प्रोग्राम के दुनिया जो है वो कार्ड के जरिए और ऑनलाइन अपनी अदायगी कर सके। आगे चलकर ऑनलाइन पेमेंट यानी 2002 में जो है वो एबे एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज थी, बहुत बड़ा कारोबारी नेटवर्क था और है, उसने $105 अरब में खरीदा। $105 अरब, आप पीछे से जरा डॉट कनेक्टिंग करते हैं, पहला सौदा, दूसरा सौदा और अब तीसरा सौदा, यानी पहले बनाई एड्रेस डिक्शनरी $22 मिलियन में बेची, उसके बाद उसने बनाया ये ऑनलाइन सिस्टम। यानी हमारे भी बच्चे कंप्यूटर्स पे बहुत टाइम जाया करते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में गंद बुला देखना, ये भी कंप्यूटर है, आप दिमाग देखें। और वो प्रोग्राम इसने जो पेपैल बनाया था, ऑनलाइन अदायगी थी, वो उसने $105 अरब में जो है वो बेच दिया $165 मिलियन, क्योंकि ये प्रोग्राम जो पेपैल था इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, बहुत ज्यादा। लेकिन इलोन मस्क के हिस्से में $165 मिलियन जो है वो डॉलर्स फिर भी आए। एक बहुत बड़ी टीम थी पेपैल को बनाने वाली, उनमें से मस्क को $165 मिलियन जो है वो डॉलर्स मिले और ये पाकिस्तानी बनते थे 2640 करोड़ रुपए जो मस्क को मिले। अब अगली बात सुनने वाली और देखने वाली है वो क्या हुआ कि मस्क पदेशी तौर पे और फितरती तौर पे जुवारिया गैम्बलिंग फितरत का आदि था। किस तरह, उसने क्या किया जी, जितने भी उसके साथ वाले दोस्त थे उस टीम में, उन सब लोगों ने क्या किया, उन सब लोगों ने गाड़ियां खरीदी, शादियां की, शादियों पे शादियां की, घर खरीदे, मौज मस्ती। इलोन मस्क को मिले थे $165 मिलियन। मस्क ने क्या किया, मस्क ने लगाए जी $100 मिलियन एक्स स्पेस में लगाए और $70 मिलियन इसने टेस्ला कंपनी में लगाए। 165 मिलियन मिले थे, उनको 170 किया और 100 मिलियन इसने एक्स स्पेस में, ये भी कंपनी है, और दूसरी टेस्ला में इसने लगा दिए 70 मिलियन। फिर लोगों ने क्या कहा, फिर ये कहां पे आ गया, ये फिर आ गया अपने ऑफिस के फर्श पर और उस वक्त दुनिया को पूरा यकीन हो गया, इसके दोस्तों को पूरा यकीन हो गया कि ये बिल्कुल ही पागल है और इसके ऊपर वाले पेच ढीले हैं। जब $170 मिलियन आपके पास हो, आप वो दे दें, इन्वेस्ट कर दें और दफ्तर के फर्श पर आ जाएं, तो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ही वो पागल है। इस पागल ने आगे क्या किया, इसने जो पहले कहता था कि मैं पेट्रोल और डीजल की गुलामी से आजाद करूंगा, पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला बनाई $70 मिलियन, यानी वो जो है इसने इन्वेस्ट किए थे। अभी मैंने आपको बताया कि इसने टेस्ला में $70 मिलियन वो इन्वेस्ट किए थे और इस वक्त उस टेस्ला की जो वर्थ है, अब जितने उसके पास असासे हैं वो हैं $40 अरब, ये टेस्ला के पास इस वक्त टेस्ला की वर्थ है। बार बार जेहन में रखें कि ये हाजियों की, नमाजियों की और ये सिपा सलारों की और ये लंबड़ वनों की
ये जो रियासत है, ये जो मुल्क है जहाँ पे मैं और आप रहते हैं, इसके टोटल जो रिजर्व हैं वो 8 अरब हैं, और टेस्ला के पास इस वक्त सिर्फ टेस्ला के पास, बाकी आगे आपने सुनने हैं, आपके दिमाग को घुमाना है, टेस्ला के पास 40 अरब डॉलर्स है। उसके बाद क्या हुआ जी, इसी पागल शख्स ने, पहले तारों में बता चुका हूं, पूरी दुनिया रो रही थी 2020 में, मेरे जैसा 2% का बंदा भी वो रो रहा था कि जी वो बाहर लॉकडाउन है और ये है वो है, 2020 में इसने कमाए 110 अरब डॉलर्स, 110 बिलियन डॉलर्स इसने 2020 में कमाए जब पूरी दुनिया लॉक थी। आज इसकी दौलत कुल जो है ना वो, अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क के पास 145 अरब डॉलर्स है कुल मिला के, 145 अरब डॉलर्स। बार बार पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो जेन में रखें, और ये कितने बनते हैं रुपयों में, ये बनते हैं 23 लाख और 20 हजार करोड़ रुपए सिर्फ इलॉन मस्क के पास हैं। ये आपके हर वक्त बातें करने वाले और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, 8 अरब डॉलर जो है वो रिजर्व्स हैं। इसके अलावा जी, और पहली दफा हिस्ट्री में पहली दफा ये बात सुनने वाली है, टेस्ला ने टोयोटा को, वो जो आप देखते हैं टोयोटा क्रोला कंपनी, रोड पे आप खड़े हो जाएं आपको 10 गाड़ियों में से 7 गाड़ियां टोयोटा की मिलेंगी, कोई कौन सा मॉडल, कोई कौन सा GLI XLI 700। पहली दफा मुनाफे में टेस्ला ने वो टोयोटा को हिस्ट्री में पीछे छोड़ दिया। उसके बाद जी कहते हैं जी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इसमें कोई शक नहीं है। इलॉन मस्क के मामले में मैंने वीडियो के शुरू में नाम लिया था मे मस्क, ये जो है वो मां थी इलॉन मस्क की, और ये अपने पीक पर थी मॉडलिंग में और हाथों हाथ दुनिया ले रही थी मे मस्क को, लेकिन मे मस्क ने अपना ख्वाब छोड़ दिया और सारा जो टाइम था वो इलॉन मस्क और कैम्बल मस्क के लिए वक्फ कर दिया, इनकी बेहतरीन तरबियत की, इनका बेहतरीन ख्याल किया। और अगर आप लोग भी माँ की अहमियत से वाकिफ हैं और जो है ना वो माँ को चाहते हैं, तो फिर जो है वो अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए, या इस दुनिया में खुदा न खास्ता नहीं रही, तो कमेंट्स में उनके लिए दुआ लिख दे, ताकि जो है वो आपकी माँ को इस जरिए जो है वो खराज तहसीन पेश हो जाए। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये होता है कि जिस तरह इलॉन मस्क की जो बिजनेस लाइफ है वो इंतहाई, अब मैंने आपको बताया, इसी तरह जो ज़ाती ज़िंदगी है इलॉन मस्क की वो भी इसी तरह है। किस तरह वो आप सुने, इलॉन मस्क ने जी 3 बार शादी की, 3 बार, मगर 2 बार एक लड़की से की। ये चूंकि इलॉन मस्क है ना, फिर आपको पता है उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले कनाडा में जस्टिन विल्सन उसे बहुत ज्यादा पसंद आई, उसने 2000 में जस्टिन विल्सन से शादी कर ली, ये आप गूगल पे निकाल सकते हैं, बाकी बहुत प्यारी खातून है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2008 में इलॉन मस्क ने इसको जस्टिन विल्सन को वो तलाक दे दी। फिर क्या हुआ, 2010 में एक इंडियन जो कैनेडियन एक्ट्रेस थी, ये भी बहुत प्यारी खातून है, इससे इलॉन मस्क ने 2010 में दूसरी शादी की। अब आगे आपने सुनना है, 2012 में इसने उस कैनेडियन एक्ट्रेस को तलाक दे दी। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि यानी 2013 में इलॉन मस्क को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, उसे उसको तलाक नहीं देनी चाहिए थी, लड़की बहुत अच्छी थी। फिर क्या हुआ, 2014 में उस कैनेडियन एक्ट्रेस से इलॉन मस्क ने दोबारा शादी कर ली कि जी वो अब मुझे एहसास हुआ है कि वो खातून बड़ी अच्छी थी, लड़की बड़ी अच्छी थी, उसने शादी कर ली। फिर 2014 में ही इलॉन मस्क के बकौल कि जब मैंने दूसरी बार शादी की उससे, तो अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं इस खातून के साथ नहीं रह सकता, ये खातून मेरे लिए नहीं बनी। और जिसके साथ दूसरी दफा शादी की थी 2014 में, इलॉन मस्क ने उसको फिर तलाक दे दी।
फिर क्या हुआ जी, 2018 में इलॉन मस्क खबरों में आ गए, और अब खबरों में क्यों आए कि अपने से आधी उम्र की एक कैनेडियन सिंगर ग्राइम्स, उनके साथ वो इलॉन मस्क का वो चक्कर वो दुनिया भर में वो मशहूर हो गया कि आजकल वो इलॉन मस्क उसके साथ जो है वो डेटिंग कर रहे हैं। आयरन मैन आपको एक हॉलीवुड की फिल्म याद होगी जिसने अरबों का बिजनेस किया। उस आयरन मैन में एक खरबपति बिजनेसमैन है, वो दुनिया को मुख्तलिफ मुसीबतों से बचाता है। वो जो आयरन मैन का आइडिया है वो इलॉन मस्क की शख्सियत से लिया गया था, और असल में वो आयरन मैन वो इलॉन मस्क है, यानी उसका बताया गया है कि ये दुनिया का आयरन मैन है। और ये भी आपको बता दूं, अगर आपने आयरन मैन नहीं देखी तो उस आयरन मैन में कुछ वक्त के लिए इलॉन मस्क भी उसमें अपीयर होता है, और आपको इलॉन मस्क भी बहुत थोड़ी देर के लिए जो है वो नजर आएगा। उसके बाद 2002 में इसने 100 मिलियन लगाकर, पहले मैं बता चुका हूं, स्पेस एक्स जो है वो कंपनी बनाई। अब इस स्पेस एक्स का क्या काम है, ये स्पेस एक्स ये बहुत सस्ते रॉकेट बनाती है, और जब रॉकेट बना लेती है तो नासा, आप जानते हैं अमेरिका का जो बहुत बड़ा इदारा है स्पेस का, नासा इसे खरीदता है। लेकिन मस्क का क्या प्रोग्राम है, मस्क का प्रोग्राम यह है कि आइंदा वो इन सस्ते रॉकेट्स में वो एक तो लोगों को खुला में भेजेगा बहुत थोड़े पैसे लेकर, जिस तरह आप जो है ना वो जाते हैं रिजॉर्ट्स, आप मरी जाते हैं, या आप जो है ना वो स्विट्जरलैंड जाते हैं, या आप नथिया गली जाते हैं, इस तरह मस्क कहता है कि उनको खुला में भेजा जाएगा इन सस्ते रॉकेट्स के जरिए। और फिर जो अगला हदफ है, और वो हदफ ये है कि मरीख पर, चूंकि रॉकेट्स बन गए हैं आने जाने के लिए, मरीख पर इंसानों की जो बस्ती है वो बनाई जाएगी। और अगर आप मस्क की पिछली लाइफ देख लें, आप भी फिलहाल उसे पागल कहेंगे, मैं भी कहूँगा, लेकिन पिछली जिंदगी गवाह है कि मस्क ने जो कहा वो किया, बाकी आगे अल्लाह पाक भी मौजूद हैं जो वो करेंगे। अब इसके बारे में, ये दुनिया का वाहिद शख्स है जो रोजाना काम पे जाता है लेकिन मुख्तलिफ कंपनी में जाता है, यानी आप है ना, आप दफ्तर जाते हैं रोजाना, मैं भी इसी तरह जो है ना, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, इसकी इतनी कंपनियां हैं, यानी एक सुबह ये स्पेस एक्स में जाता है, एक में ये टेस्ला में जाता है, आगे मैं आपको गीगा का तारुफ बताऊंगा कि गीगा क्या है, वहां जाता है, इसके जो है ना ये रूटीन है कि ये जो है वो जाता है जी रोजाना नई कंपनी में जाता है काम करने के लिए, और ये दिन में 18 घंटे काम करता है। इन 18 घंटे में खाना भी शामिल नहीं है, इसमें नहाना भी शामिल नहीं है, और इसमें वॉशरूम जाना भी शामिल नहीं है, 18 घंटे नेट काम करता है। और इलॉन मस्क की जो बहुत बड़ी बात मशहूर है वो ये कि हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन अगर आप सुबह 3 बजे इलॉन मस्क को, और कंपनी का कोई भी बंदा, उसका कोई भी योद्धा हो, वो अफसर हो, वो आम वर्कर हो, अगर वो मस्क को कॉल करेगा तो उसकी कॉल हर हाल में रिसीव होगी, और रिसीव करने वाला वो इलॉन मस्क खुद ही होगा। एक और दिलचस्प हकीकत जो इलॉन मस्क के बारे में है कि इलॉन मस्क पूरे दिन में एक बर्गर और मुख्तलिफ वक्तों में कोक के 3 टिन ये जो है ना वो पीता है। आप अक्सर देखेंगे कि इलॉन मस्क के हाथ में वो कोको कोला का टिन होगा, ये दिन में वो 3 पीता है, और वो ये भी कहता है कि जी लोग कहते हैं इसके नुकसान है, और लोग कहते हैं ये करता है, लेकिन मुझे एडिक्शन है, मैं आदि हूं, लिहाजा वो 3 टिन जो है कोक के वो रोजाना पीता है। उसके बाद इलॉन मस्क के बारे में, जेम्स बॉन्ड की 1977 में एक फिल्म आई, और बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, अगर अभी भी आप देखना चाहें, फिल्म थी दी स्पाई हू लव्ड मी, वो जासूस जिसने मुझसे मोहब्बत की, ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी 007 दी स्पाई हू लव्ड मी 1977 में। 1977 में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई जेम्स बॉन्ड की, आप शौक देखें उस फिल्म में, तो मस्क उसके पीछे चल गया कि मुझे वो कार चाहिए,
वो ढूंढते ढूंढते, उसमें दिखाया गया था फिल्म में कि वो जो कार थी वो पानी में भी चल लेती थी, वो तो जाहिर है फिल्म थी। बहरहाल कार की शेप इस तरह थी कि इलॉन मस्क ने जो है वो उसके पीछे पड़ गया, और वो कार उसको कब मिली जी, 2013 में वो कार उसको मिली, द स्पाई हू लव्ड मी फिल्म वाली कार। और उसने कितने पैसे दिए उस कार के, उस कार के उसने दिए $1 मिलियन। 1970 मॉडल की कार जो फिल्म में इस्तेमाल हुई, 2013 में वो इलॉन मस्क ने $1 मिलियन उसकी जो है वो दी है। मस्क की जो टेस्ला है उसको अमेरिकन हाईवे में दुनिया की महफूज तरीन वो कार करार दिया है, और इसका मॉडल है मॉडल एस, और ये एस सेफ्टी के लिए है, यानी इसका जो मॉडल है उसका नाम ही एस है और वो सेफ्टी के लिए। और आपको हैरान कन बात बताऊं कि 5 पॉइंट्स में से सेफ्टी की, इस कार को टोटल 5 पॉइंट्स थे, इस कार को जो है वो 5.4 पांच में से 5.4 नंबर जो है वो इसकी रेटिंग आई है सेफ्टी में। ये इलॉन मस्क की टेस्ला है। उसके बाद टेस्ला की जो सारी कारें हैं वो बैटरी पे हैं। अब इतनी ज्यादा बैटरियां, वो बाकी जो कारखाने थे वो बड़ा टाइम लगाते, इलॉन मस्क ने इसका क्या हल निकाला, इलॉन मस्क ने गीगा फैक्ट्री, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री 15 मिलियन स्क्वायर फुट पर जो है वो इसने कायम की, और उसने अब तक इतनी बैटरियां बनाई हैं कि आदम से लेकर आज तक पूरी दुनिया ने इतनी बैटरियां नहीं बनाई जितना ये गीगा फैक्ट्री ये बना चुकी है। और ये कितने पे है जी, 15 मिलियन स्क्वायर फुट। अब अगला काम जो आखिरी काम है और जो प्रोसेस में है और जो हो रहा है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी पे जो है ना वो मस्क आ गया, और अब ये जिस तरह इसने प्लेटें डिजाइन किए हैं कि आपका पूरा मकान वो ईंटों से नहीं बनेगा, वो ब्लॉक से नहीं बनेगा, वो उन प्लेटों से बनेगा, उसकी दीवारें प्लेटों की, उसकी छत प्लेटों की, बरामदा गरज हर चीज प्लेटों की, फिर वो सारी आपकी जो अंदर बिजली होगी, आपका जो कुछ होगा वो पूरा घर प्लेटों का, अंदर बिजली प्लेटों की, और वो बिजली टेस्ला में और आप जीरो। ये होते हैं इंसान, ये भी एक जिंदगी लेके आया ना हमारी तरह, एक ही सर है, दो हाथ हैं, आप अभी गूगल पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें, शक्ल से ही चवल सा लगता है। ये होते हैं ये, यानी जो अपनी लाइफ को निचोड़ते हैं और उससे निकालते हैं। घर बनाएंगे, प्लेटें इस किस्म की हैं, ईंटें की ईंटें, वो आप देख भी सकते हैं मॉडल, और छत उसकी इसी तरह, और उसका सारा घर आपका प्लेटों को होगा, आप उसमें रहेंगे, सूरज निकलेगा, पूरा घर चार्ज, आपकी गाड़ी चार्ज, आपकी जो घर में बिजली है एसियां जो भी हैं वो सारे आपके घर पे चलेंगे, आपका हुकूमत के साथ, पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ इसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होगा। ये हैं इलॉन मस्क। एक दफा नवाज शरीफ जो है वो सिंगापुर के बानी और वजीर आजम ली क्वान से वो मिले, तो ली क्वान से नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को शौक तो बहुत है ना, आपको पता है करता कुछ नहीं है खाने पीने के अलावा, कि जी मैं पाकिस्तान को सिंगापुर बनाना चाहता हूं। तो ली क्वान ने मुस्कुराकर कहा कि ये हो ही नहीं सकता। तो नवाज शरीफ ने कहा क्यों, तो ली क्वान ने कहा कि आप लोग इस दुनिया को आरजी समझते हैं और आप यहां पे कोई काम करते नहीं हैं, आप कहते हैं सारा कुछ आखिरत में होगा, लिहाजा आप लोग हमारी तरह तरक्की नहीं कर सकते, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन हकीकत तो है ना, मर तो इलॉन मस्क ने भी जाना है, उसने भी मर जाना है, वो भी अपनी मजहबी रसूमात जो है वो पूरी करता होगा, लेकिन ये एक जिंदगी होती है। मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स को अगर स्टोरी पसंद आई है वो शेयर भी करेंगे, नौजवानों के साथ खासकर सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने लाजमी कमेंट्स भी करेंगे। अब हम आते हैं, और हम आते हैं किस पे जी, वो आते हैं कुतखाने पे, जो हमारा जो है वो रोज का रोना पीटना है, यानी हम उस पे। सबसे पहले आज
एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ किया है चौधरी गुलाम हुसैन ने। आप जानते हैं कि चौधरी गुलाम हुसैन कितने सीजन और कितने जो है वो तजर्बाकार तेजियाकार हैं। ARY पे थे लेकिन अपने मखसूस अंदाज में बोलने की वजह से ARY से उनको ऑफलाइन कर दिया गया। वो इंटरव्यू दे रहे थे सभी काजमी को और उन्होंने इंकशाफ किया कि सदर आरिफ अलवी ने उनको ये वाक्या बताया कि जब इमरान खान की हुकूमत गई और इमरान खान बाहर आ गए, असम्बलियाँ छोड़ दी और उन्होंने एहतजाज किया, जलसे किया, आपको सारा कुछ याद होगा, लोग बाहर आ गए। तो ये जो इस वक्त अपने आप को सबसे ताकतवर समझते हैं, जो जो है असल हुक्मरान समझते हैं, तो वो आकर रोते थे मेरे पास कि आप खान साहब को रोकें, आप खान साहब को टेबल पर बिठाएं। लेकिन आरिफ अलवी साहब कहते थे कि टेबल पे बिठाना कोई मसला नहीं था, खान साहब तक पैगाम पहुंचाना वो कोई मसला नहीं था, लेकिन वो साथ इतना नुस्खा देते थे कि इन बातों पे जो है ना वो बिठाएं। अब जो कुछ हो गया है वो रिवर्स नहीं हो सकता। ये मैं आपको चौधरी गुलाम हुसैन की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आपको सामने नजर आते हैं ना कि तमाम अख्तियार इनके पास है और तमाम, कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि हम मानते हैं कि जो ताकत है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। आपको पता है कि बंदूकें हैं, तोपें हैं, टैंक हैं, हर चीज़ उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना, इमरान खान के पास क्या है? इमरान खान के पास आइन है, वो आइनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। इमरान खान के साथ कानून है और सबसे बढ़कर कि इमरान खान के साथ अवाम है। और ये जुबानी कलामी नहीं है, 8 फरवरी को अगर आपने वोट दिया है, नहीं दिया, लेकिन आपने देख लिया। जावेद लतीफ कह रहा है कि हमारी तो अक्सरियत नहीं थी, हमें हुकूमत दी गई, हमें फंसाया गया। राना सनाउल्ला यही पीट रहा है, सारे आप खुद मुंह से कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल कह रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहा है। सबसे बड़ी बात कि इमरान खान के साथ अवाम है और इदारों की अवाम में क्या दुर्गत बन चुकी है। आप भावल नगर वाले वाक्य को देख लें कि अवाम ने अपनी ईद सेलिब्रेट की उस वाक्य पे। किसी ने लिखा कि दो डैश 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 आपस में लड़ पड़े, किसी ने लिखा कि दो डैश 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 आपस में लड़ पड़े। तो ये आपको बताना था कि आप कहें कि जी वो खान साहब बेबस हैं या पिंजरे में हैं, बकौल गुलाम हुसैन साहब के कि मुझे सदर आरिफ अलवी ने जब मैंने मुलाकात की तो मुझे बताया कि रोज़ आके ये ताकतवर लोग आके रोते हैं कि खान साहब को समझाएं और रोज़ाना कोई नया फार्मूला। मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है ना, खासकर इस्लामाबाद, उसका एक सामने मंजर होता है, जिस तरह फिल्म चल रही होती है, जो असल गेम होती है ना वो उसके पीछे हो रही होती है। अब ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो रोज़ाना आके रोते थे, कभी आपने सुनी है या कभी आपने आपको किसी ने बताया? यही होता है, क्योंकि पीछे सामने तो आगे तुम्हें पता है, आपको पता है, सॉरी बड़के और ये और हम और इस तरह, लेकिन सीन के पीछे। और फिर असल में 8 फरवरी के बाद उनकी जो हवा थी वो काफी सारी निकली, जिस तरह वो आप गुब्बारे को प्रिक करते हैं ना, इस तरह उनको पता चल गया कि लोग किस तरफ खड़े हैं। तो आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देनी थी कि खान साहब के साथ मुलाकातों, लेकिन फिर अब जो कुछ हो चुका है, जितना हो चुका है, ये किसी ना किसी दिन किसी के गले में वो लाजमी पड़ेगा। जितनी कानून शिकनी हुई, जितनी आइन शिकनी हुई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, ये काकड़, ये मोहसिन नकवी, ये यानी इनको कोई कानूनी कवर नहीं है कि आपने ये सारा कुछ क्यों नहीं कराया। और जिस दिन यहां पे कोई जमहूरी हुकूमत आ गई, जिसमें यहां जिस दिन अवामी हुकूमत आ गई, आप देखेंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर अल्लाह होता है, खालिक होता है, और नीचे मखलूक होती है। ये मखलूक जिसके पीछे खड़ी हो जाए और जिसके जो है ना वो जिसको पसंद करने लगे, फिर आपको पता है। अब उसी से जुड़ी दूसरी खबर है PTI की, जो बाहर पार्टी रह गई। इमरान खान तो इमरान खान है, इमरान खान ने कल परसों जो जेल में बातें की हैं वो मैं आपको सुबह वाले वीलॉग में बता चुका हूं कि अब लगता ये है कि कब्र एक है और बंदे दो हैं। यानी ये मैं सियासी तौर पे कह रहा हूं कि जिस तरह खान साहब ने गुफ्तगू की है और इन तमाम हालात का जिम्मेदार किसको करार दे दिया है वो आप सुन चुके होंगे। अब ये जो PTI की पार्टी है, जिन्होंने 1-1 लाख वोट लिए, किसी ने 1.5 लाख वोट लिया, वो हमारा हलका है, इमरान खान का अपना हलका। इमरान खान ने वहां से खुद कभी 2 लाख वोट नहीं लिए,
इस दफा एक गुमनाम सा वर्कर था पीटीआई का एहसन जमाल, इमरान खान की जाती सीट N89 मियां वाली, वहां से उसने 2,17,000 वोट लिए। और टीवी एंकर बताते हुए बार बार पढ़ रहा था 2,17,000, खान साहब ने खुद कभी वहां से नहीं लिए। ये लोगों की मोहब्बत का हाल था, ये लोगों की अकीदत का हाल था। लोगों ने, क्योंकि उनके पोस्टर्स पे वो खान साहब की तस्वीर थी या खान साहब का जो है ना वो या का नाबुदो व या का नस्तईन लिखा हुआ था, लोगों ने वोट डाले। अब पीटीआई क्या कर रही है? अब यह तो पीटीआई डर रही है, यानी आपने कमेंट्स में लाजमी लिखना है, मेरी रहनुमाई करनी है, यह तो पीटीआई डर रही है या पीटीआई जो है ना, पीटीआई को हुकूमत मिल गई है मौजा। वो मिशाल यूसुफ जई का कल परसों मैंने बताया कि 1,27,00,000 की फॉर्च्यूनर लेकर दें जी मुझे मिशाल यूसुफ जई। वो अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया के दबाव पर समरी मुस्तरद कर दी है, या हुकूमत ये वजह है। तीसरी वजह प्रोटोकॉल, टाँ टू इधर गाड़ी उधर गाड़ी, अली अमीन गंडापुर 17 गाड़ियों के साथ अड्याल आ रहे हैं, इधर सलूट उधर सलूट। जो पुलिस घरों पे छापे मार रही थी वो अब सलूट कर रही है, ये वजह है। और आखिरी वजह मुकमुका जो यहाँ पे होता है, यानी मौला अली ने फरमाया था ना, मैं अक्सर मौला अली को इसलिए कोट करता हूँ कि मौला अली को बाबुल इल्म करार दिया गया था, और मौला अली के यानी खुलफा के दौर में, वैसे भी इमाम अव्वल हैं, खुलफा रेफर करते थे कि अबू तालिब के बेटे, जनाब अबू तालिब के बेटे मौला अली अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, ये खुलफा रेफर करते थे किसी मसले के लिए। एक मेरे मोहतरम व्यूर ने अलैहिस्सलाम पे इसरार किया है, तो मेरे मोहतरम भाई इसका मतलब है आप पर सलाम हो, इसका सिर्फ यही मतलब है। और आप मौलाना तारिक जमील साहब को सुन लें, वो क्या कहते हैं। आप, मैं तो आलिम नहीं हूं ना, मेरा तो इतना इल्म नहीं है दीनी। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुन लें, वो क्या कहते हैं। इसका मतलब होता है सलाम, आप पर सलाम हो, अलैह पर सलाम, आप पर सलाम हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये जितने भी लोग हैं इन पर एहसान किसका है? खान साहब का। ये मिशाल यूसुफ जई कौन है? ये यूसुफ जो है ना उमर यूब कौन है? हमें क्या पता। ये अली अमीन गंडापुर कौन है? हमें क्या पता। ये बैरिस्टर गौर कौन है? हम तो नहीं जानते। ये बाबर वान, ये शेरफ अफजल मरवत, ये शिबली फराद, हम तो नहीं जानते। हम तो एक बंदे को जानते हैं जी, और उस बंदे का नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, और जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और जिसने कहा था, राणा सनाउल्लाह कहता है कि हमें ब्रीफिंग देने के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज आए हुए थे, साथ वाले कमरे में इमरान खान बैठे थे, इस हॉल में सारी पार्टियां बैठी थी। एक दफा बाजवा गया कि सर मिल लें, इन इधर आ जाएं, फैज उम्मीद गया सर इधर आ जाएं मिल लें, आप उसके मिनट्स निकाल लें उस मीटिंग के, यानी बार बार बाजवा गया कि आ जाएं, बार बार जनरल फैज गया आ जाएं, खान ने कहा मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं जब जाऊंगा तो हाथ मिलाना पड़ेगा, हालांकि अलामती तौर पे था, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हम उस खान को जानते हैं, हम उस इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम उसके नजरिए के साथ हैं, हम इनके साथ नहीं है, इन लुगड़ों के साथ। तो कमेंट्स में आपने लिखना है पीटीआई डर गई है, पीटीआई जो है वो हुकूमत में आ गई है, या पीटीआई प्रोटोकॉलों में पड़ गई है, या पीटीआई कंप्रोमाइज्ड है, मुकमुका कर लिया है। क्यों वो अभी तक कोई बड़ा इज्तिमा नहीं कर सके? क्यों वो ज़िमनी इलेक्शन में पड़े हैं? क्यों वो कॉल नहीं दे सके कि 10,00,000 लोग और 5,00,000 औरतें इकट्ठी हो जाएं, और उस वक्त तक घर नहीं जाएंगे जब तक बेगुनाह इमरान खान को आजाद नहीं किया जाएगा। मैं देखता हूं किसके बाप में इतनी जुर्रत है कि वो इमरान खान को बरी न करे। दरख्वास्त वही है, सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स एंड शेयर। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।